हे वृक्षदेव, मुझे चित्रकारी के लिए वस्तुएं प्रदान करें। स्वामी, आपने तो इस मनोरम वातावरण को इस चित्र में पूर्णतः जीवंत कर दिया। स्वामी, आज मन हो रहा है कि आकर्षक वस्त्रों के साथ साथ हम उत्तम प्रकार के गहनों से अलंकृत होकर आपके साथ कहीं दूर भ्रमण पर जाएं। देवी, बैठे बैठे अनायास ही हमारे मन में एक भव्य चित्त को लुभाने वाले भवन की कल्पना उमड़ रही है। लगता है अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। हाँ प्रिय, मुझे भी आप जैसा ही प्रतीत हो रहा है। ये तो सर्वत्र विदित है कि संपूर्ण भूमंडल में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। ये बदलाव समय की धुरी है। कोई भी वस्तु अथवा स्थिति जब पराकाष्ठा के शीर्ष पर पहुंचती है, तब वहां जाकर भी काल चक्र की ये यात्रा वहां विराम नहीं लेती है, अपितु पुनः शनय शनय पतन की ओर अग्रसर रहती है। यही परिवर्तन हमारी कथा में भी धीमी गति से प्रवेश कर रहा था। अब हम सुखमा सुखमा काल, जो कि सुख ही सुख वाला काल था, उस काल से प्रवेश कर रहे थे सुखमा काल की ओर। सुखमा काल अथवा सुख वाला काल, यहां सुख साधनों का कहीं कोई अभाव दिखाई नहीं पड़ता था। सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कल्प वृक्षों के माध्यम से पूर्ण हो रही थी। परंतु हां, वो अनंत सुख जो सुखमा सुखमा काल में उपलब्ध थे, उन सुखों में अब इस काल में कुछ क्षीणता अवश्य आ गई थी। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति अब मन में इच्छा जागृति होते ही पूर्ण नहीं हो रही थी, अपितु अब क्षण भर का विलंब हो रहा था। स्वामी, आज हमारा मन उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करने को ललायत हो रहा है। देवी, इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है? चलिए इसी क्षण हम आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। स्वामी, हमने सुना था ये कल्प वृक्ष मन में इच्छा जागृत होने मात्र से ही उसकी पूर्ति कर देते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा। देवी, धैर्य रखिए, क्षण भर ही तो हुआ है। आपको अपनी इच्छा कहते हुए और देखिए, आपकी पसंद के भोज्य पदार्थ यहाँ उपलब्ध हैं। कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त होने वाली इन इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति में होने वाला ये क्षणिक विलंब संकेत था कि समय धीरे धीरे पतन की ओर प्रस्थान कर रहा है।
स्वामी, आप किस चिंतन में इतना मग्न हैं? देवी, देखिए ना कितना मनोरम वातावरण है। ऐसे में हमारे हृदय में एक इच्छा जागृत हुई है। कैसे इच्छा? हमसे कहिए ना स्वामी। मन करता है आपके साथ इस मनोरम वातावरण में शीतल पेय पदार्थ का सेवन करते हुए कुछ समय आपके साथ व्यतीत करें। स्वामी, तो आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? चलिए इसी क्षण हम आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा। ये इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? देवी, आप इतनी रुष्ट क्यों हो रही हैं? स्वामी, आज कितने दिनों के बाद हमें आपकी इच्छा को पूर्ण करने का अवसर मिला है, अन्यथा हमें आपसे सदैव अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाते रहते हैं। हमें आज एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं हो रहा है। शांत हो जाइए देवी, और देखिए हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई है। सुखमा काल में जीव सुख समृद्धि का सेवन कर रहे थे, कहीं किसी चीज का अभाव नहीं था। मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति में कुछ क्षणों के विलंब के अतिरिक्त जीव जगत किसी भी संकट अथवा पीड़ा से पूर्णतः अनभिज्ञ था, जो उनके लिए किसी तरह की समस्या या फिर किसी चिंता का कारण बनता। कल्प वृक्षों से मनवांछित पदार्थों को प्राप्त करते हुए जीव 64 कलाओं में मग्न रहते थे। स्वामी, मेरे साथ चलिए ना। देवी, आज आप इतने उत्साहित क्यों हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? तनिक हमें भी बताइए, और कहाँ चलने को कह रही हैं आप? आज हमें प्रकृति का निमंत्रण मिला है, हम उन्हीं की सुंदरता का अवलोकन करने जा रहे हैं। देवी, हम आपकी बातों का अभिप्राय जान नहीं पा रहे हैं, कृपया पूर्ण बात कहें। स्वामी, हमारा मन आज प्रफुल्लित है, वाटिका में भांति भांति के पुष्प खिले हैं, तो हृदय में विचार आया कि आज हम आपका मृदंग वादन सुने और मृदंग की स्वर लहरियों और सरोवर के जल की तरंगों के साथ क्रीड़ा करें। देवी, अब हम आपका आशय भली भांत जान गए हैं। चलिए हम आपको सरोवर के किनारे वाटिका में इसी क्षण ले चलते हैं, जहां मृदंग वादन से निकलते संगीत के साथ आप सरोवर के जल से अठखेलिया कीजिएगा और हम आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी, अब आप व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें एवं शीघ्राति शीघ्र चलें। देवी, चलिए तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं?
भूमि पर जीव सभी सुखों का सेवन कर रहे थे। सभी जोड़े अपने निहित स्थान पर मंगलकारी जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी भी प्रकार के संकट अथवा पीड़ा के लिए यहां कोई स्थान नहीं था। देवी, क्या हुआ? ऐसे कौन से भाव आपके मन में उमड़े हैं कि आप अकेले यूं सोच सोच कर प्रसन्न हो रही हैं? कुछ नहीं स्वामी, बस यूं ही। परंतु देवी, आप तो जानती हैं कि आपसे जुड़ी आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाली छोटी सी बात भी हमें विशेष लगती है, तो हमें शीघ्र बताइए। स्वामी, हृदय में ऐसे भाव आए हैं कि हम केवल उस पर विचार करने मात्र से ही प्रसन्न हो गए हैं। तो देवी, हमसे भी उन भावों को व्यक्त कीजिए। स्वामी, आज मन करता है कि आप हमारा पुष्पों से श्रृंगार करें। ओह प्रिय, कितना उत्तम विचार आपके मन में आया है। हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि हमें आज आपका पुष्पों से श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा। चलिए, इसी तरह हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्वामी, आप हमें यूं लज्जित ना करें। देवी, हमारा हृदय आपकी इसी लज्जा पर ही तो प्रसन्न हो जाता है। अतः हम किसी भी स्थिति में यह सुअवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहते। स्वामी, क्या मालांकल्प वृक्ष की ओर चलें? इसी क्षण चलिए देवी, हम तो पुष्पों की प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते हैं। चलिए। सुख संपन्नता के साथ सभी जीवों का जीवन व्यतीत हो रहा था। समय भी अपनी गति से आदि से उत्तरोत्तर काल की ओर अग्रसर हो रहा था। इस काल में दृष्टि जहां भी जाती, वहां जीव संतुष्ट एवं प्रसन्नचित ही प्रतीत होते। चारों दिशाओं में सुख का वास था और बदलाव अत्यंत धीमी गति से चलायमान था। इस काल की सारी व्यवस्थाएं वैसे तो सुखमा सुखमा काल की भांति ही थी, परंतु आदि से उत्तरोत्तर काल की ओर अग्रसर होते होते इस काल में जीव की आयु दो पल्ले की रह गई। इसी तरह शरीर की ऊंचाई अब 4000 धनुष हो गई। भोजन व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा था। अब जीव 3 की अपेक्षा 2 दिन में बहेड़ा के बराबर आहार ग्रहण करने लगा। ये काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का था। इस काल के जीवों के शरीर का रंग शंखवत एवं चंद्रवत था। जीवन एवं मृत्यु का ये चक्र सुखमा सुखमा काल की भांति ही रहा। अर्थात इस काल में भी पुरुष की मृत्यु छींक आने पर और स्त्री की मृत्यु जमाही आने पर हो जाती थी। मृत्यु पश्चात शरीर कपूरवत हवा में विलीन हो जाता और साथ ही नए नवजात शिशुओं का जोड़े में जन्म होता था। इस तरह अब हम सुखमा काल को यहीं पर विराम देते हैं। परंतु समय पर भला कोई कहां विराम लगा पाया है? इस काल की यात्रा का आगे बढ़ना ही उसे संपूर्ण बनाता है। इसी आशय को समझते हुए हमारी यात्रा भी हमें अब सुखमा दुखमा के काल के प्रवेश द्वार पर ले आई है। ये काल बदलाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस काल ने मानव जाति को सुखों से अलग एक नया अध्याय सिखाया। आरंभ में इस काल की व्यवस्था तो लगभग पूर्व के दो कालों अर्थात सुखमा सुखमा एवं सुखमा की भांति ही थी। परंतु धीरे धीरे
सुखोपभोग की सामग्री पूर्व की अपेक्षा दिनों दिन क्षीण होती जा रही थी और साथ ही क्षीण हो रहा था मानवों का बल, आयु एवं अवगाहना, और होने लगा था कल्प वृक्षों का अभाव। स्वामी, आप इतने शांत क्यों हो? बताइए ना, आपके हृदय में क्या चल रहा है? क्या कोई विशेष बात है? देवी, आपके विषय में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं स्वामी? देवी, हम सोच रहे हैं कि आपने आज जो इच्छा की है, पता नहीं वो पूर्ण होगी कि नहीं। स्वामी, हम आपका आशय समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया विस्तार से बताइए ना। हम यही चिंता कर रहे हैं कि जाने कौन सा कल्प वृक्ष हमारी अभिलाषा पूर्ण करेगा। आपको तो ज्ञाती है कि कल्प वृक्षों का अभाव होते जा रहा है। हाँ स्वामी, परंतु हम चलकर प्रयास तो कर ही सकते हैं। हाँ देवी, हम चलकर प्रयास तो कर सकते हैं, तो फिर आइए चलते हैं। स्वामी, ये कल्प वृक्ष हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर पाया। जब तक जोड़े कल्प वृक्ष से प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में विलंब को लेकर चिंतित थे, ऐसे में इन दिव्य कल्प वृक्षों से अपेक्षित सामग्री का ना मिल पाना उन्हें पूरी तरह से आहत कर रहा था। इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह स्थिति उन्हें घोर संकट के समान प्रतीत हो रही थी। इस विपत्ति में सभी को देखकर हृदय में गहरी पीड़ा हो रही थी। सब इसी आशा में थे कि शायद ये परिस्थितियां क्षणिक भर के लिए हैं और शीघ्र ही इनका निवारण हो जाएगा, परंतु समय का यह चक्र किस ओर घूमेगा, इस बात से तो हम और आप भी अनभिज्ञ हैं। हमें तो केवल वहीं चलना होगा जहां यह समय हमें चलने का संकेत करेगा। तो चलिए हम भी इसी आशा के साथ कि काल की यह यात्रा हमें किसी सुखद मोड़ पर ले जाएगी, अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। स्वामी, आज कितने समय के बाद हम आपके साथ यूं भ्रमण पर निकले हैं। ठीक कहा आपने देवी, हमने भी सुवाटिका में आज कितने समय बाद प्रवेश किया है। चलिए अब शीघ्र कहिए, क्या चल रहा है आपके मन में? स्वामी, हम कल्प वृक्षों के क्षीण होते फल से अत्यंत व्यथित हैं। स्वामी, दीपांक कल्प वृक्ष के प्रकाश में मानो कुछ क्षीणता आ गई हो। कल्प वृक्षों की महिमा न्यारी, मानव की थी छवि अति प्यारी। सत्कर्मों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से कोई भी नहीं बच पाया है। आदिनाथ के श्री वचनों में सत्य